मधुबनी जिला के जयनगर के किराना व्यवसायी सरवन कापड़ी की गोली मारकर हत्या मामले में गुरुवार को जयनगर के व्यापारी संगठनों एवं आम लोगों ने बाजार को बंद कराते हुए शहरी क्षेत्र के महावीर चौक व थाना चौक पर धरना देकर बांस बल्ला लगाकर टायर जलाकर जाम कर जयनगर थाना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए SP मधुबनी व जयनगर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। महावीर चौक का धरना स्थल पर जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह, महासचिव अनिल बेरोलिया, सचिव पवन यादव, अरुण जैन समेत अन्य मौजूद थे, जबकि शहीद चौक पर कैट अध्यक्ष प्रीतम बेरोलिया, महासचिव रंजित गुप्ता, विनय कुमार सिंह, मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव शंभु गुप्ता समेत अन्य व्यापारियों ने धरना देकर जयनगर थानाध्यक्ष का तबादला और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जयनगर के आम लोग और व्यापारी संगठनों ने शहर भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया और जामस्थल से थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तबादले की मांग कर थाना मुख्य द्वार पर घंटों जाम कर नारेबाजी की। घटना को लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आम लोगों के अलावा व्यवसायी संगठनों ने जयनगर थाना चौक पर सबको रख कर धरना दिया और सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब तक जिला प्रशासन धरना स्थल पर नहीं आते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि मृतक के हत्यारे की गिरफ्तारी अविलंब करने की हमारी मांग को गंभीरता के साथ प्रशासन को लेने की जरूरत है। जयनगर थानाध्यक्ष संजय कुमार जलवल के साथ धरना स्थल पर वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन धरना स्थल पर बैठे लोगों ने वरीय पदाधिकारी के आने व अपराधी की गिरफ्तारी की मांग पर डटे थे। धरना स्थल पर पहुंचे जयनगर SDO बेबी कुमारी, SDPO विप्लव कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर आरके भानु, थानाध्यक्ष संजय कुमार व अंचलाधिकारी को विरोध का सामना करना पड़ा। घंटों जाम रहने के बाद जयनगर थाने में SDO बेबी कुमारी और DSP विप्लव कुमार के समक्ष मृतक के परिजनों व व्यवसायी संगठन के सदस्यों के साथ वार्ता होने के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DSP ने बताया कि अनुसंधान शुरू कर दिए हैं, तकनीकी अनुसंधान पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी होगी। BNP न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। संध्या में जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया एक व्यक्ति का, और आज जो है हम लोग उसका अनुसंधान शुरू कर दिए हैं। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हत्यारा को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज हुई सर? प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उससे पूर्व में ही हम लोग जो भी मोबाइल लोकेशन या तकनीकी अनुसंधान है, साथ ही साथ फॉरेंसिक की टीम वगैरह भी आई है जो जांच कर रही है। हम लोग जल्द ही जो है हत्यारा को गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। चाहे वो अपराधी से सुंदर हो या मैंने पुलिस से सुंदर हो, लेकिन अपराधी पे फर्क होकर हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं आपको ये लड़ाई अनुसंधान तक ले जानी होगी। अगर आप नहीं ले जा पाए तो ये घटना आज खत्म नहीं हो रही है, कल फिर एक नई घटना होगी, परसों एक नई घटना होगी, एक न एक दिन आपको आगे आकर इसके विरोध में जाना होगा। आपके सामने में है कि प्रशासन का कोई रोल नहीं है, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिंदा है या मरे, प्रशासन के लिए कोई रोल नहीं। आप विरोध दर्ज करवाएंगे तभी सरकार दूरी की जा सकती है, वरना आप देख लीजिए दूर दूर तक कई प्रशासन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भी आपको नजर नहीं आएगा। ये स्थिति बनी हुई है, इसलिए आवश्यक है कि हम लोग एकजुट हो और विरोध करें। सारी स्थिति खराब रहती है आम आदमी के खिलाफ, इसके खिलाफ खड़ा होगा। हम लोगों के बीच मिथिलांचल चैंबर कॉमर्स की पूरी टीम, उनके अध्यक्ष महोदय शंकर जी, उनके महासचिव शंभु जी, मुख्य सचिव